हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड स्टडिंग वेल। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव चैप्टर शुरू किया था, तो उसमें हमने आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव समझाया था और साथ में प्लस वन क्लास के फॉर्मूले बताए थे। तो आई होप आप सबने उनको याद कर लिया है। तो आज उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, लेट अस बिगिन। राइट डाउन द क्वेश्चन। इफ वाई इक्वल टू y = 3x² - 9x + 5⁴ find dy over dx। तो बच्चों, आप सीखेंगे कि फॉर्मूले हम कैसे अप्लाई करते हैं। बस आपको फॉर्मूले जो हमने लास्ट लेक्चर में बताए थे वो याद होने चाहिए। तो देखिए, y हमें गिवन है, तो जब भी कभी आप होल पावर कांस्टेंट देखो, किसी भी फंक्शन की एफएक्स की होल पावर कांस्टेंट देखो, तो बच्चों आपने पावर रूल से डेरिवेटिव करना है। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स? इट इज एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो जब भी किसी फंक्शन की पावर कांस्टेंट नंबर होगी, होल पावर कांस्टेंट होगी, तो बच्चों हमने पावर रूल लगाना है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो देखिए, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, हमें डेरिवेटिव वाई का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ वाई With respect to x means dx. तो इधर भी derivative करना है। Derivative किसका करना है? Function का। वो function कौन है? 3x² - 9x + 5⁴ with respect to x. I hope clear है सभी को। It implies that. तो this is power rule. तो क्या पहचान है power rule की? कभी भी किसी function की whole power अगर constant number होगी, तो बच्चों आपने पावर रूल लगा दिया। तो इन दोनों को कंपेयर करिए। तो यहां पे पावर n है, तो हमारे पास n कौन है? 4 n मिल गया। और हमने बच्चों ये जो नंबर है इसको x की जगह पे रख देना है, तभी ये कंपेयर होगा। तो इसका आंसर क्या है? n, n कितना है? 4। x की जगह पे कौन आ रहा है? ये n पावर है। पावर किसकी है? x की। तो यहां पे x का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे x का काम 3x² - 9x + 5 कर रहा है। तो बच्चों n की जगह पे 4 रखा और x की जगह पे ये पूरा फंक्शन रख दिया और उसकी पावर n माइनस वन। तो फॉर्मूला तो बच्चों कंप्लीट हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई आपने डेरिवेटिव करना है जिसको आपने x की जगह पे रखा होता है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली x है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है। तो देखिए, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x² हम लोग ये प्लस वन क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। वंस मोर वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3x² - 9x + 5⁴। तो बच्चों जैसे भी किसी फंक्शन की होल पावर कांस्टेंट देखोगे, तो आपने फटाफट ये वाले फॉर्मूले पे पहुंच जाना है। तो पावर रूल क्या होता है? पावर को नीचे उतारिए, x की पावर एक छोटी कर दीजिए n माइनस वन। तो हमने भी बच्चों पावर को नीचे उतारा और इसकी एक पावर छोटी कर दी और ये नंबर जो है x की जगह पे रखा, n की जगह पे किसको रखा? 4 को रखा। x की जगह पे किसको रखा? ये 3x² - 9x + 5 को रखा, उसकी पावर n माइनस वन की। इनटू ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे x का डेरिवेटिव करोगे वो तो बच्चों 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1 नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई हमने साथ में मल्टीप्लाई किया डेरिवेटिव इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x। इट कम्स टू बी 4 3x² - 9x + 5⁴ 3। अब बच्चों बारी इसकी है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव किसका करना है? एक इसका प्लस इसका प्लस इसका। तो बच्चों ये कौन सा टाइप है? अगर अकेला कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव हमने याद किया है जीरो होता है, और लास्ट लेक्चर में बताया था कि डेरिवेटिव अगर इस टाइप का करना है k into some function, तो बच्चों k को as it is रखते हैं
और डेरिवेटिव फंक्शन का करते हैं एफ एक्स का. तो इन दिस केस वी हैव थ्री कांस्टेंट. अगर तो अकेला कांस्टेंट है उसका जीरो हो जाएगा बच्चों, लेकिन ये कांस्टेंट इस एफ एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो कांस्टेंट को ऐसे रखिए और एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगा दीजिए. अगर हम एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, देखिए सेम मैंने वो भी बोला कि कभी भी पावर कांस्टेंट आ जाए तो पावर रूल. तो पावर रूल क्या होती है, पावर नीचे x की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1. तो देखिए यहां पे कांस्टेंट नीचे x की पावर छोटी होगी. और आगे हमने इस क्वेश्चन में इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया था, अब नहीं कर रहे क्योंकि आप अगर करोगे भी तो बच्चों 1 ही आएगा x का डेरिवेटिव. तो यहां पे 1 नहीं था इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई किया. तो इसकी वैल्यू आ गई 2x. तो 3 एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस इन द सेम वे माइनस कांस्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में. तो x का डेरिवेटिव हम याद करके आए 1 होता है तो इसका डेरिवेटिव 1 लिख दिया और अकेला कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 आ गया. तो नाउ वी हैव आंसर 4 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 होल क्यूब इनटू 6x माइनस 9. आप यहां पे छोड़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 3 कॉमन ले सकते हो, आपकी मर्जी है. दिस इज आंसर. ओके नेक्स्ट सम देखिए बच्चे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान लगेगा सब कुछ. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड दी, ऐसे भी बच्चों पूछते हो डिफरेंशिएट, ऐसे भी कह सकते हैं डिफरेंशिएट 15x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x. तो बच्चों ये जो है fx का काम कर रहा है, तो ये x की टर्म्स है, ये एक फंक्शन है fx. fx कौन है 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अंडर द रूट. लेकिन हम जानते हैं fx इक्वल टू y, y इज अ फंक्शन ऑफ x. तो y बच्चों हमारे पास ये हो गया, समझ गए सबको. तो इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. तो अभी बताया कि जब भी किसी फंक्शन की होल पावर कांस्टेंट होगी तो हमने बच्चों पावर रूल से डेरिवेटिव करना है. तो फटाफट पावर रूल को याद करिए, देखिए n x रेज टू पावर n माइनस 1. तो हमने यहां पे लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो डेरिवेटिव ऑफ y dy विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx. इधर भी बच्चों डेरिवेटिव ऑफ 15x स्क्वायर माइनस x होल रेज प्लस 1 होल रेज पावर 1 बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू x. तो बच्चों हमें तो dy बाय dx चाहिए, हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x. तो मिल गया. तो वो क्या है जो इसकी आंसर आएगा, तो बच्चों पावर रूल. कभी भी किसी की पावर कांस्टेंट हो तो पावर रूल. तो पावर रूल क्या बोलती है, ये देखिए n की जगह पे कौन आ गया, n की जगह पे बच्चों 1 बाय 2 आ गया. x की जगह पे कौन आया, x कौन होता है जो बच जाता है, ये किसकी पावर है 1 बाय 2, 1 बाय 2 इसकी पावर है. तो ये x का काम कर रहा है. तो बच्चों इस फंक्शन को x की जगह पे ले जाइए, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. तो बच्चों यहां पे पावर कितनी है n माइनस 1, n कितना है बच्चों 1 बाय 2. तो ये हमारा रूल तो बच्चों खत्म हो गया, लेकिन हम x की जगह पे जिसको लेके जाते हैं हमेशा उसका भी डेरिवेटिव करते हैं. तो x की जगह पे आपने इस फंक्शन को रखा, सो इसका भी लास्ट में डेरिवेटिव करना है. ओके सो वी हैव dy by dx इक्वल टू, देखिए बच्चों 1 by 2 इसकी पावर कितनी होगी 15x square minus x plus 1 whole power, इसको LCM लीजिए 1 minus 2 minus 1 तो minus 1 by 2 into, अब फिर इसकी बारी, ये constant multiply हो रहे हैं इसको ऐसे ही रहने दीजिए. x square का derivative अभी बताया मैंने 2x, और x का derivative भी अभी discuss किया
1 और इस 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0, तो फाइनली वी गेट कितना बच्चों आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया 1/2। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो इसको नीचे ले जाइए, इसकी होल पावर बच्चों 1/2 हो जाएगी। तो ये 15 × 2 30x माइनस 1, तो फाइनल आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 1/2 को छोड़ दीजिए तो अंडर रूट में आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों y हमें गिवन है होल पावर 1/2, जब भी पावर कांस्टेंट देखोगे पावर पावर क्या होती है कि पावर को नीचे उतार दीजिए और इसकी एक पावर छोटी कर दीजिए, मतलब इसमें से 1 माइनस कर दीजिए। अगर तो ये x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव कीजिए, देखिए x नहीं है ये तो 15x² माइनस x प्लस 1 है, तो लास्ट में उसका भी डेरिवेटिव कर दीजिए, तो ये तो जो हो चुका है ये एज इट इज चलेगा, इसका एलसीएम ले लिया। अब डेरिवेटिव इसका करना है तो कांस्टेंट एज इट इज x² का 2x पावर रूल के साथ x का 1 और कल्ले कांस्टेंट का 0, तो ये 30x नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल लेते हैं, तो फाइनली वी गेट दिस आंसर। आई होप क्लियर हो। तो नेक्स्ट हम फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, देखिए बच्चों डिफरेंशिएट, बच्चों आपको काफी क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बाकी फाइनली आपको तभी समझ आएगा जब आप घर पे खुद सब्सक्राइब करेंगे। तो वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट 3x प्लस 2 और माइनस 2, कुछ भी लिख लीजिए, 1/2x² प्लस 4, differentiate this function with respect to x. Look here. तो बच्चों, this is function of x, fx. fx is what? y. तो we have y equal to इसकी whole power 1/2. तो बच्चों, जब भी function नीचे हो, ऊपर constant हो, तो prefer करिए कि variable जो function है उसको ऊपर ले जाइए। इसकी power कितनी है? 1/2. जब ये बच्चों ऊपर जाएगी तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2, ये पावर 1/2 है, इसको बच्चों ऊपर लेके जाइए। तो राइट डाउन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मतलब dx। तो बच्चों हमें डेरिवेटिव एक तो इसका करना है, प्लस में हम क्या करते हैं अलग अलग से डेरिवेटिव कर देते हैं, एक तो डेरिवेटिव इसका करना है। अगेन वही है पावर रूल, जब डेरिवेटिव करना है तो डी बाई डी एक्स का साइन छोड़ देना है, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स निकालो तो इसकी वैल्यू क्या है, पावर रूल। तो पावर रूल क्यों, क्योंकि कभी भी किसी फंक्शन की होल पावर कॉन्स्टेंट नजर आ जाए तो बच्चों पावर रूल ही लगेगा। तो पावर रूल क्या बोलता है कि पावर को नीचे उतार दो, नीचे उतार दिया और ये देखिए ना, इतना फॉर्मूला n x n माइनस 1, ये इतना बच्चों n को नीचे उतार दिया और इसकी पावर एक छोटी कर दी। अगर तो ये x नहीं है, ये कुछ fx है, x के अलावा कोई फंक्शन है तो उसका भी d by dx करना है। अगर तो x होता, सिंपली x होता तो बच्चों तो सिंपली हम ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि आगे x का डेरिवेटिव 1 ही होना है, हम लिखते नहीं, तो यहां पे ये बन जाएगा प्लस सेम वे पावर को नीचे उतारिए, इसकी पावर को एक छोटा कीजिए। देखिए पावर रूल, पावर नीचे एक पावर छोटी, और ये जो नंबर है इसका भी डेरिवेटिव कीजिए, ऐसे याद रखना सबने। तो d by dx of 2x² plus 4, तो फाइनली वी हैव dy over dx equal to 1/2 3x plus 2 whole power, एलसीएम लीजिए -1/2। बच्चों कांस्टेंट अगर अकेला है तो 0 डेरिवेटिव, अदरवाइज अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बच्चों उसको एज इट इज रहने दो 3 को, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 0,
ये बच्चों कितना है माइनस 1 बाय 2, ये कितना आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4, एलसीएम लो बच्चों माइनस 3 बाय 2, फिर कांस्टेंट 2 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम बता चुके हैं 2x, 4 का 0, तो नाउ वी हैव द फाइनल आंसर एज 1 बाय 2, बच्चों ये 3 इनटू 1 3, ये 3 बाय 2 बन गया, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो इसको नीचे ले जाओ, तो नीचे 1 बाय 2 बन गया बच्चों, तो माइनस 1 बाय 2 ये वाला, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, देखिए बच्चों ये 2 से 2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे ऊपर बचेगा माइनस 2x, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले जा सकते हैं, दिस इज द आंसर। बस एक ही चीज याद रखनी कि पावर रूल कब लगना है और कैसे लगना है, जब भी पावर कांस्टेंट होगी तो पावर रूल वो क्या होता है कि पावर को नीचे उतार दो, ये जो नंबर है इसकी पावर में 1 माइनस कर दो और लास्ट में इसका डेरिवेटिव कर दो d/dx, बस खत्म। नेक्स्ट सम, बिल्कुल साथ साथ ये चैप्टर करेंगे फिर समझ आएगा बच्चों, कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ना, साथ साथ करना है सारे सम्स, राइट ऑन। क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थैंक यू बच्चों, डिफरेंशिएट एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन अंडर रूट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y is a function of x, इसकी whole power 1 by 2, तो जैसे ही बच्चों power constant देखोगे किसी function की, अगर किसी function fx की, x की power constant होगी तो power rule m कौन है बच्चों 1 by 2, power को नीचे उतारिए और इसकी पावर एक छोटी कर दीजिए 1 by 2 minus 1, फिर into d by dx of, I hope clear as you go, power rule, okay, अगर किसी function की whole power constant है, उस power को नीचे ले जाइए, और जो ये function है, इसकी power में 1 minus कर दीजिए, into derivative इस function का, this is power rule, देखिए, यहां पे x का डेरिवेटिव 1 आ रहा है इसलिए नहीं कर रहा, इसका 1 नहीं है इसलिए करना है, तो इट कम्स टू बी बच्चों माइनस 1 बाय 2 आ गया, एलसीएम लिया, तो जब भी दो फंक्शंस डिवाइड होते हैं तो उनका डेरिवेटिव कोशेंट रूल से होता है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v, ओके, जब भी दो x के फंक्शंस आपके पास डिवाइड हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव आपने कोशेंट रूल के साथ करना है, तो कोशेंट रूल क्या होता है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, नीचे वाले का स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x माइनस second function as it is derivative of first with respect to x, fine, so बच्चो u कौन है ऊपर वाला, v कौन है नीचे वाला, तो v का square, look here, v square, first कौन है नीचे वाला, first function as it is into d by dx of second, derivative of second with respect to x, minus बच्चो first derivative of second minus second d by dx of first, I hope clear as we go, it comes to be बच्चो negative power को positive करना है तो क्या करेंगे reciprocal, it comes to be 1 by 2, तो बच्चो इसको positive करेंगे तो x plus 1 ऊपर चल जाएगा, x minus 1 नीचे चल जाएगा, उसकी whole power positive हो जाएगी,
इनटू नीचे है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस वन एज इट इज। बच्चों अब इसका डेरिवेटिव करना है, एक्स का डेरिवेटिव याद है सबको वन माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव वन का जीरो, दिस इज एज इट इज मल्टीप्लाई एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो। तो फाइनली वी हैव इसकी भी पावर वन बाय टू, इसकी भी पावर वन बाय टू, अलग अलग से लिख दिया x प्लस वन इंटू वन एक्स प्लस वन। बच्चों ये वन प्लस जीरो वन, तो x माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वन आ गया, तो ब्रैकेट को ओपन कर दिया, साइन चेंज हो गए, तो ये बच्चों x से x कैंसिल हो गया, ये क्या बता है वन बाय टू इसकी पावर वन बाय टू इसकी पावर वन बाय टू टू ओवर x प्लस वन होल स्क्वायर, टू से टू कैंसिल। देखिए x प्लस वन दिस इज अगेन x प्लस वन, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन, ये डिवाइड हो गए हैं, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएगी, तो बड़ी पावर नीचे है तो बच्चों पावर को नीचे ले जाइए, टू माइनस वन बाय टू ये कितना आ गया, ठीक है बच्चों तो ये आ गया एक्स प्लस वन की पावर थ्री बाय टू। यहां भी छोड़ सकते हो आंसर को, कई बार वो प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन डाल देता है तो उसमें बच्चों को कहता है कि प्रूफ करो दिस इज आंसर, लेकिन अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो सपोज कर लो, तो बच्चों थ्री बाय टू को ब्रेक कर सकते हो ऐसे, बिल्कुल बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो लिख सकते हैं, क्यों लिखा क्योंकि ये दोनों सेम है बेसिस सॉरी पावर्स सेम है, इसकी पावर और इसकी पावर सेम है, तो बच्चों इनकी होल पावर वन बाय टू कर दी और साथ में ये लिख दिया, तो ये कितना बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी पावर वन बाय टू अंडर रूट, तो दिस इज द आंसर। तो बच्चों वंस मोर जब भी किसी की पावर कॉन्स्टेंट देखोगे पावर रूल, ठीक है पावर को नीचे उतार दीजिए, इसकी एक पावर छोटी कर दीजिए और इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, पावर नीचे एक पावर छोटी और मल्टीप्लाई करिए इसका डेरिवेटिव, अगर इसका डेरिवेटिव वन नहीं है क्योंकि अगर वन होगा तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये तो हो गया एलसीएम लिया सॉल्व किया, ये यू ओवर वी लगा दिया, वी का स्क्वायर फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो बच्चों एक्स का वन वन का जीरो, एक्स का वन वन का जीरो, ओपन दी ब्रैकेट्स, तो बच्चों ये टू टू से टू कैंसिल, तो बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन, तो ये पावर जो है बड़ी नीचे है तो इसको पावर को नीचे ले हो, तो सॉल्व किया गया है, यहां भी छोड़ सकते हो आंसर, लेकिन अगर सपोज करो वो क्वेश्चन में कहता कि प्रूव दैट इसका डेरिवेटिव ये है तो ऐसे सिंपलीफाई होगा, तो बच्चों एक्स प्लस वन की थ्री बाय टू है, तो बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये थ्री बाय टू ही है, ये दोनों की पावर सेम है इकट्ठी कर दी पावर, ये एज इट इज लिख दिया, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर वन बाय टू को मतलब अंडर रूट, दिस इज आंसर। ओके तो बच्चों ऐसे ही आप थोड़े से सम्स घर पे खुद ट्राई करें, ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टाइप के सम्स कराऊंगा। ओके बच्चों टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।